सो फाइनली गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा यार कुछ इस टाइप की फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करके। तो फाइनली गाइस यहां देख सकते हो कितना फुल एचडी में जो हम लोग का मॉडल पिक है एडिट हुआ है। तो फाइनली गाइस ये वाला पिक को हम लोगों ने जो अपना पहले से बैकग्राउंड है देन उसी को एडिट किया हुआ है देन गाइस और ये वाला में देन हम लोगों ने अपना बैकग्राउंड को फाइनली चेंज किया है। तो फाइनली गाइस जो हमारा वीडियो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस जो भी मॉडल को आप लोग एडिट करना चाहते हो फाइनली उसको आप लोगों को सबसे पहले स्नैपशीट में देन ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद देन गाइस यहां आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन उसके बाद गाइस यहां आप लोगों को जाना सीधा सीधा टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद देन गाइस यहां आप लोगों को ले लेना है सबसे पहले सेलेक्टिव टूल, ठीक है। देन इसके बाद गाइस यहां आप लोगों का जहां जहां मॉडल आप लोगों का यहां काला है वहां वहां पे आप लोगों को कुछ इस टाइप से टाइप कर करके आप लोगों को उसका लाइट एडजस्टमेंट फाइनली कर लेना है। देख सकते हो मैं किस टाइप से कर रहा हूं गाइस। फाइनली आप लोगों को भी कुछ इस टाइप से इसका लाइट एडजस्टमेंट कर लेना है। तो गाइस ये वाला प्रोसेस आप लोग अपने हिसाब से करना। देन गाइस यहाँ आप लोगों को जितना ब्राइटनेस की आवश्यकता होगा उतना ही आप लोग यहाँ ब्राइटनेस को इंक्रीज कर करके आप लोगों को फाइनली लाइट एडजस्टमेंट करना है। फाइनली गाइस इतना हो जाने के बाद देन अब जो हमारा मॉडल है देन उस पर हम लोगों को HDR इफेक्ट अप्लाई करना है। तो इसके लिए देन गाइस फिर से जाना होगा हम लोगों को अपना टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को सो रहा होगा देख सकते हो HDR। देन इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को चार ऑप्शन हो जाएंगे तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी देख लेना। तो देन गाइस मैं अपना ये फर्स्ट वाला रखूंगा। देन उसके बाद यहाँ से हम लोग ब्राइटनेस को फाइनली डिक्रीज कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ हम लोग फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे गाइस आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। देन उसके बाद गाइस यहाँ सेचुरेशन को आप लोगों को इंक्रीज या डिक्रीज करके देख लेना है। तो यहाँ हम लोग गाइस सेचुरेशन को फाइनली -18% रखेंगे। देन उसके बाद यहाँ हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ राइट का आइकन है नीचे पे वहाँ से राइट कर लेना है। देन उसके ऊपर पे आप लोगों को सो रहा होगा देख सकते हो टेढ़ा टीर का आइकन देन उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद देन यहाँ व्यू एडिट पे क्लिक कर लेना है। व्यू एडिट पे क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को सो रहा होगा HDR देन उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को बीच पे एक ब्रश का आइकन सो जाएगा उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद ना गाइस यहाँ आप लोगों का जो मॉडल है उसको फाइनली जूम कर लेना है। आफ्टरऑल उसके बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप से पेंट कर लेना है। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ जल्दी जल्दी से पेंट कर लेते हैं यार। और भाई आप लोग आते हो वीडियो को देखकर चले जाते हो भाई आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते यार। भाई अगर आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे यार तो कौन करेगा। तो हो सके तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करना यार देन ओके गाइस। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली गाइस जो हम लोग का ये वाला मॉडल का सेट है उसको फाइनली हम लोग यहाँ जल्दी से पेंट कर लेते हैं ओके गाइस। तो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो HDR इफेक्ट अप्लाई करने के बाद देन हमारा पिक कितना औसम तरीके से लग रहा है। देन उसके बाद हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। देन यहाँ से कर लेना है राइट। राइट कर लेने के बाद देन गाइस हम लोगों को यहाँ से आ जाना है अपना बैक। बैक आ जाने के बाद देन गाइस इस फोटो को हम लोग को अपना एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है देन इस पर क्लिक करके फाइनली कर लेना है सेव। सेव कर लेने के बाद देन गाइस इस पिक को लेके जाना है फाइनली हम लोग को अपना लाइट रूम के अंदर। सो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल देन उसको हम लोगों ने अपना लाइट रूम में एड कर लिया है। एड कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ कुछ भी नहीं करना है। देन आप लोगों को जस्ट आप लोगों को एक प्रीसेट यूज करना है। देन गाइस मैं आप लोगों को हर वीडियो में एक प्रीसेट देता हूँ। देन गाइस यहाँ देख सकते हो देन ये वाला प्रीसेट को आप लोगों को फाइनली यूज करना है। तो प्रीसेट को ओपन कर लेने के बाद देन बाद गाइस आप लोगों को यहाँ जाना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे जाने के बाद फाइनली गाइस यहाँ कॉपी सेटिंग पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन ऊपर पे राइट का आइकन आ जाएगा देन उस पर क्लिक कर लेना है। देन आ जाना है बैक। देन उसके बाद गाइस यहाँ आप लोगों का जो मॉडल है उसको फाइनली कर लेना है ओपन। ओपन कर लेने के बाद देन गाइस फिर से जाना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे जाने के बाद देन गाइस यहाँ से आप लोगों को कर लेना है पेस्टर सेटिंग पे क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस देख सकते हो आप लोगों का पिक कुछ इस टाइप से दिखने लगे। देन आफ्टर ऑल आप उसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। देन आप लोगों को जाना है फिर से यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे। देन इस फोटो को आप लोगों को कर लेना है सेव टू डिवाइस। देन इस फोटो को लेके जाना है गाइस फाइनली अब हम लोगों को अपना फोटो रूम के अंदर। सो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा फोटो रूम है ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। स्टार्ट फ्रॉम फोटो पर देन क्लिक कर लेना है। उसके बाद ना गाइस जो हम लोगों ने अभी सेव किया हुआ है जो अपना फोटो उसको हम लोगों को फाइनली यहाँ ले लेना है। ले लेने के बाद देन गाइस ये ऑटोमेटिक ही फाइनली आप लोगों का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा कुछ इस टाइप से। रिमूव हो जाने के बाद देन गाइस यहाँ मेरा थोड़ा नेट स्लो है तो देन यार यहाँ लोडिंग ले रहा है। देन उसके बाद क्या करना है गाइस आप लोगों को फाइनली यहाँ सो हो जाएगा आप लोगों को ब्लर वाला ऑप्शन यहाँ देख सकते हो। देन इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ फाइनली आप लोगों को क्या करना है। देन आप लोगों का जो नीचे के साइड यहाँ कट गया है ना देन उसको हम लोग को रिटर्न लाने के लिए देन यहाँ अपना ये वाला ऑप्शन है ना देन इस पर हम लोग को फाइनली क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन हो जाएगा एडिट कटआउट का। देन उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को ग्रीन वाला ब्रश हो रहा होगा। देन उस पर क्लिक करके फाइनली आप लोगों को कुछ इस टाइप से ब्रश को चला के आप लोगों को उसको रिटर्न कर लेना है। देन रिकवर कर लेना है कुछ इस टाइप से। यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है।
तो फाइनली गाइस आप लोग भी कुछ इस टाइप से जो अपना मॉडल का जो भी पार्ट्स को रिटर्न लाना चाहते हो आप लोग ला सकते हो। देन ओके गाइस, तो देन गाइस यहाँ देख सकते हो कितना औसम तरीके से रिटर्न हो चुका है। देन उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, फाइनली हम लोग को यहाँ से इसको कर लेना है डन पे क्लिक। डन पे क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारे पीछे का बैकग्राउंड है देन फाइनली कितना औसम तरीके से ब्लर हो चुका है। देन उसके बाद क्या करना है गाइस, आप लोग को यहाँ से इसको कर लेना है डन पे क्लिक। डन पे क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ अब जो हमारा बैकग्राउंड है उसको फाइनली एडिट करने के लिए देन हम लोग को अपना यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देन यहाँ आप लोगों को शो हो जाएगा एडजस्ट, देन इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को यहाँ देख सकते हो ये वाला ऑप्शन है ना, देन इसको आप लोगों को पूरा यहाँ माइनस कर लेना है। ठीक है, माइनस कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को उसके बाद आ जाना है हुई पे। हुई पे आने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को हुई को भी आप लोग अपने हिसाब से यहाँ देख सकते हो अगर आप लोगों का कलर किस टाइप से चेंज हो रहा है, तो आफ्टरऑल आप लोग कुछ अपने हिसाब से यहाँ बैकग्राउंड को फाइनली रख सकते हो। तो देन गाइस हम लोग इसको कुछ इतना रखेंगे लगभग अपना 91% के आसपास। देन उसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे गाइस, यहाँ से कर लेंगे डन। डन कर लेने के बाद देन गाइस इस फोटो को हम लोग को अपना 3 डॉट पे जाके फाइनली अपना शेयर वाला ऑप्शन है देन गाइस इस पे जाके कर लेंगे सेव। देन इसका फेस स्मूथ करेंगे गाइस हम लोग अपना ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। सो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल देन उसको हम लोग ने अपना ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर ऐड कर लिया। ऐड कर लेने के बाद देन गाइस सबसे पहले जो हमारा मॉडल देन उसको हम लोग को फेस स्मूथ करना है, तो देन इसके लिए आप लोगों को जाना होगा ब्रश वाले ऑप्शन पे। ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को ले लेना है देन एक ब्रश। ठीक है, कौन सा ब्रश है मैं फाइनली आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला ब्रश आप लोगों को ले लेना है। ले लेने के बाद देन इसका सेटिंग भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो साइज का आप लोगों को अपने फेस को अकॉर्डिंग बढ़ाते घटाते रहना है गाइस। यहाँ फॉलो अपना स्ट्रेंथ को 3% और 8% रखना है। देन ओके गाइस, देन लाइब्रेरी पे क्लिक करके आ जाएंगे बैक। और फाइनली गाइस आप लोग जब भी अपना मॉडल को फेस को स्मूथ करो तो आप लोगों को कुछ इस टाइप से जूम करके करना है और ब्रश के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके करना है, तभी गाइस आप लोगों का जो मॉडल का फेस एकदम प्रोफेशनल तरीके से स्मूथ हो गया। आफ्टर ऑल आप लोग खुद ही देख सकते हो गाइस, मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ कि कितना प्रोफेशनल तरीके से जो हमारा मॉडल का फेस है वो फाइनली स्मूथ हो रहा है। तो आफ्टर ऑल गाइस आप लोग भी कुछ इस टाइप से कर लेना। तो फाइनली गाइस हम लोग जो अपना वीडियो है यहाँ से थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे यार, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देन ओके गाइस, देन आफ्टर ऑल गाइस फेस को स्मूथ करने के बाद देख सकते हो जो हमारा पीके कितना औसम तरीके से लग रहा है। देन उसके बाद हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है गाइस, फाइनली अपना जाना है 3 डॉट पे और इस फोटो को कर लेना है सेव। सेव कर लेने के बाद देन गाइस इसका कलर रिटचिंग करेंगे फाइनली हम लोग अपना लाइट रूम के अंदर। तो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल देन उसको हम लोगों ने अपना लाइट रूम में ऐड कर लिया। ऐड कर लेने के बाद देन जाना है कलर पे। कलर पे जाने के बाद देन यहाँ आप लोगों को 4 कलर्स हो जाएंगे। तो देन गाइस यहाँ आप लोगों को टेम्प को माइनस करना है, ठीक है, लगभग 7% रखेंगे गाइस। और टिंट को हम लोग यहाँ अपना इंक्रीज करेंगे फाइनली 7%। देन यहाँ वाइब्रेंस इंक्रीज करेंगे 19%, सेचुरेशन इंक्रीज करेंगे गाइस 7%। देन जाएंगे मिक्सर टूल पे, जो अपना फर्स्ट कलर है उसका लुमिनस को फाइनली हम लोग इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारा मॉडल का फेस है वो गोरा हो जाए। देन उसके बाद गाइस अपना जो दूसरा वाला कलर है उसका भी लुमिनस इंक्रीज करेंगे, सेचुरेशन फाइनली थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। उसके बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों का जो ब्लू कलर है उसको आ जाना है, सेचुरेशन बढ़ा लेना है और हुई को यहाँ फुल कर लेना है। आप लोग अपने हिसाब से देख कर लेना। देन ओके गाइस, उसके बाद जो अपना ये वाला कलर है उसका भी हम लोग हुई और सेचुरेशन फाइनली हम बढ़ा लेंगे। देन ग्रीन कलर गाइस उसको भी आप लोगों को अपने हिसाब से देख लेना, आप लोग जो भी कलर रखे होंगे उस तरह से आप लोग एडजस्टमेंट कर लेना। देन इसके बाद गाइस आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, फाइनली यहां से आप लोगों को कर लेना है डन। डन कर लेने के बाद आ जाना इफेक्ट टूल पे, देन कंट्रास्ट को डिक्रीज करना है, ठीक है। देन उसके बाद गाइस आप लोगों को आना है डिटेल पे, शार्पनेस को आप लोगों को कुछ इतना बढ़ा लेना है 3%। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, मास्किंग पे आ जाना है, दोनों फिंगर से पकड़ना है, एक को पकड़ के रखना है, एक को फुल कर लेना है। आफ्टर ऑल गाइस उसके बाद आप लोगों का पिक एकदम ही औसम तरीके से लगेगा। यहाँ देख सकते हो गाइस बिफोर इन आफ्टर जो हमारा पिक है कितना औसम तरीके से लग रहा है। सो फाइनली गाइस जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइस यहाँ देख सकते हो कितना एचडी में जो हम लोगों का मॉडल है वो एडिट हुआ है। तो फाइनल गाइस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ सपोर्ट करना, देन चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।